नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कैंसर को लेकर आम राय कुछ ऐसी है कि इसका इलाज पहले तो मुश्किल है और अगर इलाज हो भी जाए तो इसके फिर से हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए कैंसर वाले पेशेंट को हमेशा डॉक्टर की ही देखरेख में रहना होता है। लेकिन अन्य बीमारियों की तरह अब ये बीमारी भी काफी आम सी हो गई है। मतलब कुछ नहीं तो आपके आसपास आप किसी एक कैंसर पेशेंट के बारे में तो सुन ही चुके होंगे। ऐसे में इसके इलाज के लिए भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए ही जाते रहते हैं। अभी जो कैंसर की बीमारी को लेकर, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर को लेकर नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है उसमें इत्तेफाक से इंसानों के गले में एक नया अंग खोज निकाला है। जी हाँ, इंसानों के गले में एक नए अंग की खोज की गई है। मतलब आप अभी तक अपने जितने भी अंगों के बारे में जानते थे, नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन अंगों में एक और अंग जोड़ लीजिए। वैज्ञानिकों को गले के ऊपरी हिस्से में दो लार ग्रंथियां मिली हैं जिन्हें ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया गया है। रिसर्चर्स ने पुष्टि की है कि करीब 100 मरीजों में ये ग्लैंड पाए गए हैं और अब इस ऑर्गन की खोज के बाद ये माना जा रहा है कि इससे कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है, क्योंकि अभी तक माना जाता था कि नाक के पीछे के हिस्से में कुछ नहीं होता। वहीं तीन सलाइवरी ग्लैंड भी जीभ के पीछे, जबड़े के नीचे और जबड़े के पीछे होते हैं, यही माना जाता था। स्टडी के मुताबिक ये ग्लैंड 1.5 इंच के हैं और ये टोरस ट्यूबेरियस नाम के कार्टिलेज के हिस्से के ऊपर है। रिसर्चर्स का कहना है कि शायद इनका काम नाक और मुंह के पीछे गले के ऊपरी हिस्से को ल्यूब्रिकेट करना होगा। इन ग्लैंड्स को तब खोजा गया है जब रिसर्चर्स प्रोस्टेट कैंसर सेल्स पर PSMA पेट सीटी टेक्नोलॉजी से स्टडी कर रहे थे, जिसमें सीटी स्कैन और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सलाइवरी ग्लैंड ढूंढने में मदद करती है। इसमें एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर मरीज में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो कैंसर सेल के PSMA प्रोटीन में बाइंड हो जाता है। अब सवाल ये कि इस खोज से कैंसर में कैसे मदद मिलेगी? तो बात दरअसल ये है कि कैंसर के इलाज के लिए सिर और गले में रेडियोथेरेपी के दौरान सलाइवरी ग्लैंड्स को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि मरीज को खाने, बोलने और निगलने में परेशानी ना हो। अभी तक डॉक्टर्स को ये जानकारी नहीं थी कि शरीर में और भी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन इस खोज के साथ ही अब रेडियोथेरेपी में इन्हें भी बचाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कैंसर के इलाज में होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके।